आज ना धूप तो ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, लेकिन हवा ऐसी तिक्खे वाली चल रही है। और ये जो कपड़े हैं, ये इतने सारे कपड़े हैं, ये कल धोए थे, लेकिन कल आ गई थी थोड़ी सी बारिश, तो ये मैंने अंदर फैला दिए थे कमरे में, तो अब यहाँ पे धूप में फैला दिए हैं। तो ये जैसे हवा चल रही है ना, धूप निकल रही है, 2 घंटे में ये सूख जाएंगे। ऐसे तो थोड़े से सूखे हुए हैं, लेकिन एक होता है ना सिले सिले से, ठंडे सिले सिले से, वो चीज़ है, तो ये सूख जाएंगे। फिर मैं इनको लेके जाऊंगी नीचे। और झाड़ू पोछा हो गया है, और नाली चाय भी पी है, नहीं कॉफ़ी पी है। तो अभी जो है पतिदेव उठेंगे, तो उनके लिए चाय बनाऊंगी। और आज फिर 2-3 गेस्ट आने हैं, तो देखते हैं। और खाने में क्या बनेगा वो भी पता नहीं है, दूध वाले भैया भी आए नहीं हैं, तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ ना मतलब बहुत तेज़ हवा लग रही है। तो देखो मैं दिखाती हूँ, देखो यहाँ से पता चलता है कितनी तेज़ हवा चल रही है, और ये कपड़ों से पता चल रहा है कितनी तेज़ हवा चल रही है। अब यहाँ पे ना मलाई डाल के मैंने कल ये दही जमा दी थी, इसको भी लूँगी। और यहाँ पे रई निकाल ली है, और ये दूध वो भैया एक्स्ट्रा डाल के आज, तो इसको गर्म करना रखूँगी। तो उसके लिए ना ये बड़ा पतीला चाहिए, तो इसको अच्छे से गर्म पानी से धो के तब इसमें डालूँगी। और लेकू रे खाना खाएगा बेटा, आज लक्की की ना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है आज, बिल्कुल रात से इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। देखो आँख भी है ना बिल्कुल धस गई है, और एक नाक से लगातार ब्लड आ रहा है इसके। लेकू रे लच्छू, आज इसके है ना बहुत ब्लड आ रहा है। लगवा देगा ये मैं दबाऊं, क्योंकि मेरे से लगवाए नहीं जाते हैं इसको। लग गए इसको, इतना ब्लड क्यों आ रहा है? नाक से आ रहा है ना? हाँ दोनों नाकों, आज पहले इस साइड से आता था कभी बीच बीच में, आज दोनों नाकों से आ रहा है। छींक मारता हुआ नहीं, इसकी हिस्ट्री का तो पता होगा ना, ये डॉक्टर ही बताएंगे, बात कर लेंगे। क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बेटा? अभी ठीक हो जाएगा लक्की, है ना? अभी लक्की ठीक हो जाएगा, ये ले।
अभी लड़की ठीक हो जाएगा है? तो जी अभी टाइम हो गया, 4 बज गए हैं पूरे, और इधर से ना धूप का जो है रिफ्लेक्शन आया हुआ है, शायद मैं दिख भी नहीं रही होंगी, है ना। तो आज रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि आज है ना लक्की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर बुलाए हैं, वो 3 पता नहीं 4 इंजेक्शन लगा के गए हैं। तो अभी मतलब नॉर्मल नहीं है, तो आज मेरे को इसको देख देख के ना बहुत मन दुखी हो रखा है। तो रोटी आज बनी रखी है, लेकिन खाने का मन ही नहीं किया। अब एक कप कॉफ़ी बना के लेके आई हूँ, वो पीऊँगी, क्योंकि ना इसकी टेंशन में ना जो है सिर में भी इतना ज़्यादा दर्द हो गया, क्योंकि ना अपने हाथों से पाला हुआ है ये, और इसकी ना मुझे इसका ना मुझे बहुत दुख आ रहा है, क्या ही करूँ। तो बस अभी ये है कि कॉफ़ी पीऊँगी, और इसको बार बार मैं इसको ऐसे जैसे बच्चे को पुचकारते हैं ना, ऐसे पुचकार के आती हूँ, बार बार मैं इसको बोल रही हूँ, थोड़ा सा उगड़ जाता है, इसको ढक के आती हूँ। तो ये चल रहा है, बच्चों के पास भी कॉल की थी मैंने, का वीडियो कॉल करके, और देख लो आज बहुत तबीयत ख़राब है इसकी, तो उनकी भी कॉल आई थी, और कई बार आ चुकी है, हस्बैंड की भी कई बार कॉल आ चुकी है, बल्कि वो बोल भी रहे थे कॉफ़ी से मैं वापस आ जाता हूँ, बन का नहीं अब क्या ही वापस आओगे। तो अभी आज कुछ खा भी नहीं रहा, ना पानी पी रहा, ना रोटी खा रहा, गर्दन ही नहीं उठा रहा आज। तो चलो जैसा भगवान को मंजूर होगा, बेचारा बहुत दुखी हो रहा भाई, क्या बोलूं। अब आ गई हूँ मैं छत पे, और छत पे देखो हवा कैसे चल रही है, और कपड़े सारे आज सूख गए हैं, इधर ही नीचे पड़े हुए हैं। तो अब मैं इनको उतारूँगी, तय करके रखूँगी, और थोड़ी सी देर यहाँ घूमूँगी। धूप तेज़ है, लेकिन हवा बहुत ठंडी है। ये देखो सूर्य भगवान, ये रे। तो इनको मैं उतार के तय कर लेती हूँ। तो जी अभी काम तो हो गया है पूरा, लेकिन मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि लकी की तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब, और बस मैं उसी के आगे पीछे लगी हुई हूँ। तो इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ एक और नए दिन में, और उम्मीद करती हूँ कल लकी को थोड़ा बहुत आराम हो जाएगा, तो आप लोगों को बताऊँगी। और जब इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, तो मेरा तो मन बहुत दुखी होता है। वैसे तो इसको 7-8 महीने हो गए बीमार हुए, लेकिन क्या करे, अब ठीक भी नहीं हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा दवाइयाँ दिलवा ली, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। और इसमें तो मेरा मन ऐसा अटका हुआ ना, इसको मैं देखती रहती हूँ देखती रहती हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपसे एक नए दिन में।